खबर शिवपुरी के जिला चिकित्सालय से है। बताना होगा कि आज सरसौ थाना क्षेत्र के ग्राम रोदा में मामा के यहां रह रही भांजी के ग्राम रायश्री के युवक गौरव ने युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार ग्राम रायश्री की रहने वाली युवती रविता जाटव उम्र 17 साल अपने मामा के यहां ग्राम रोदा में रह रही थी। तभी आज रात को वो अपने कमरे में अपने मामा की लड़की के साथ सो रही थी। तभी ग्राम रायश्री का युवक गौरव जाटव उम्र 20 साल आया और युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। बताना होगा कि जब रविता की चीख पुकार सुन उसके मामा ने सुनी तो वो दूसरे कमरे से भांजी के कमरे में आए तो गौरव ने मामा के पेट में भी दो बार चाकू से वार कर दिया। इससे मामा घायल हो गए। गौरव राजश्री का निवासी है। पिता का नाम हाकिम जाटव है। वहीं मृतका की मां ने बताया कि 3 साल से गौरव उनकी बेटी को परेशान कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को अपने भाई यानी मृतका के मामा के यहाँ भेज दिया था। 2 साल से वो मामा के यहाँ रह रही थी। पूरे मामले में सिरसौ थाना प्रभारी राजेंद्र शर्मा का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर गौरव व दो अन्य के खिलाफ 302 और 307 का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। तो क्या लड़का परेशान करता है? भैया मामा बोलो कि मैं कन्यादान लाऊंगा तो मैंने कही राख ले तू मैंने कही। तो कितने दिन से मामा कह रहे हैं? मामा कह रहा 2 साल दो महीने हो। तो मतलब लड़का पहले से परेशान करता था, इसीलिए आपने मतलब जाब लिए मैंने भगा रही है। इसीलिए भगाया इसी में एक तरफा प्यार में मतलब उसने जाकर हत्या की है। हमने पता नहीं होगा हमने पता हो तो हम सहमत ही रहते कछु काम करते मैंने कुछ को कोई लड़ाई नहीं मतलब यही कारण था मतलब उसका लड़ाई नहीं है परेशान करता था इसी वजह से मतलब आपने लड़की को सुरक्षित करने के लिए वहाँ भगाई थी लेकिन उसने वहाँ जाकर भी उसको लड़की भाई बात में चलती तो परवाह मारते क्या को बोल तो लोगे ना। क्या नाम है भैया आपका? जी रघुवीर। रघुवीर जी किसने आपको चाकू मारे और क्यों मारे? मोड़ा नाम बोलते हैं जी। कहाँ का था लड़का? रायश्री का। तो क्यों मारे आपको चाकू? सर मेरी तो कोई कसम नहीं थी जी। भांजी सो रही थी अंदर मोड़ी सो रही थी। क्या नाम है भांजी? रविता जी। इसके इसमें देवाई लाई कर दी है इसमें अंदर मेरी नील निकली और इसे लाई थी तो देखने गया तो वही चक्कर मारी थी। तो क्या वो अकेली सो रही थी क्या? नहीं मेरी मोड़ी सो रही थी।